वो लोग तुम दोनों के पीछे पड़े हुए हैं। तुम लोग अभी कहाँ छुपे हो? थिएटर में? देख यार, ये सारे शोज के टिकट लेके थिएटर में छुपना वैसे तो अच्छा आइडिया है, लेकिन कहीं टिकट चेक करने वाले को शक हो गया और उसने पुलिस को फोन कर दिया तो? यार एक काम करना, तुम दोनों मेरे घर पे आ जाओ, सुबह तक यहीं रहना। अब बाहर कहीं इधर उधर छुपने से अच्छा मेरे घर पे छुप जाओ। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों मेरे घर में आ जाओ। ओके चल। सागर जी, आपने किसको हमारे घर पे बुला लिया? और आप छुपाने की बात कर रहे थे ना, मतलब वो लोग जरूर कोई क्रिमिनल होंगे। देखिए सागर जी, मैं आपको बता देती हूँ, किसी क्रिमिनल को छुपाना बहुत बड़ा क्राइम होता है, पुलिस केस हो सकता है, पुलिस केस। वैसे आप किससे बात कर रहे थे और क्राइम क्या किया उन्होंने? प्यार, प्यार करने का क्राइम किया है। क्या सागर जी, प्यार करना भी कोई क्राइम होता है क्या? वही तो, प्यार करना क्राइम नहीं होता, इसलिए मैंने उसको यहाँ बुला लिया। अरे वो मेरा स्कूल फ्रेंड है केशव, वो गहना से बहुत प्यार करता है, हम तीनों स्कूल में साथ ही पढ़ते थे, वो दोनों ना बचपन से प्यार करते हैं, लेकिन गहना बहुत अमीर खानदान की है और लड़का मिडिल क्लास फैमिली का होगा, है ना? ये बात है। यही तो प्रॉब्लम है, अब दोनों की फैमिली उनके मैरिज के खिलाफ है, तो कोर्ट मैरिज करने के लिए गहना ने केशव को घर से भगा लिया है और उनकी फैमिली उनके पीछे पड़ी। सागर जी, जल्दबाजी में आप उल्टा बोल रहे हो, केशव ने गहना को भगाया होगा। अरे नहीं नहीं, मैंने उल्टा नहीं कहा, ये केस ही उल्टा है, यहाँ लड़की ने लड़के को भगाया, अब उनके पास छुपने की जगह नहीं है, इसलिए मैंने उनको अपने घर में बुला लिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया सागर जी आपने। हाँ। मैं सासू माँ को बता के आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मोहम कौन बताना, मोहम तो लव मैरिज के नाम से ही भड़क उठेगी, वो अब तक हमारे लव मैरिज के सदमे से उभर नहीं पाई है और अब ये। सागर जी आप परेशान क्यों हो रहे हो, केशव और गहना को एक दिन के लिए कहीं छुपाना है ना, तो हम सासू माँ से कह देंगे कि वो दोनों शादीशुदा है और फिर किसी भी बहाने उन दोनों को एक दिन के लिए यही रुका लेंगे और दूसरे दिन कोर्ट मैरिज हो जाएगी। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगी मम्मी जी? मतलब हम मॉम से झूठ बोलेंगे। हाँ तो उसमें क्या हुआ सागर जी, जिस झूठ से दो प्रेमियों का मिलन हो जाए वो झूठ सच से भी बड़ा होता है। जय अम्बे सासू माँ, क्या कर रही हो? भजिया तल रही हूँ, देखने रही है, पेपर पढ़ रही हूँ। मॉम क्या हुआ, आपका मूड खराब है क्या? पेपर में खबर ही ऐसी आती है कि हर किसी को पढ़ने के बाद अच्छा मूड रहता ही नहीं है। अब देखो ना क्या खबर निकली है, एक बड़े आदमी ने 2 साल पहले लव मैरिज की और अब उसकी बीवी ने उससे परेशान होकर होटल के रूम में सुसाइड कमिट कर लिया। बोलो, सारा दोष लव मैरिज का ही होता है, क्योंकि लव तो उसमें मैरिज के पहले ही खत्म हो जाता है और बाकी जो बचता है ना वो सिर्फ मैरिज होता है। ऐसी बात नहीं है सासुमा, अब ऐसे थोड़े बहुत किससे छोड़ दोगे ना, तब पता चलेगा कि लव मैरिज ही अरेंज मैरिज से ज्यादा सक्सेसफुल होती है। खाक सक्सेसफुल होती है, इतिहास उठाकर देख लो, सबसे ज्यादा डिवोर्स केसेस लव मैरिज में ही होते हैं, अरेंज मैरिज ही सबसे टिकाऊ होती है ना? टिकाऊ नहीं, पता होती है। हा? अभी 10 साल पहले मेरे बड़े बुजुर्गों ने मेरी शादी तय की, बोलते थे अरेंज मैरिज, तब थे 10 साल थे मेरी बीवी मुझे पका ली है। चलो एक बात बताओ कन्हैयालाल, आपकी अरेंज मैरिज हुई है उससे आप खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ मैडम, भगवान दूत ना बुलवाए, मेरी बीवी नीला और मेरे परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान लगती है। देखा मही, मेरा कहने का पॉइंट यही था कि अरेंज मैरिज ही सबसे अच्छी होती है, उससे परिवार और पति पत्नी दोनों खुश रहते हैं। हाँ तो सासू माँ, लव मैरिज में भी सब खुशी रहते हैं, नहीं सागर जी? हाँ वो तो मैं रोज देख ही रही हूँ। क्या मतलब सासू माँ? अब समझदार को तो इशारा ही काफी होता है ना, बाकी अगर ना समझ हो तो एक मिनट सासू माँ, मैं भी समझदार हूँ और मैं आपका इशारा भी समझ गई, इसीलिए मैंने पूछा आपसे। ओहो मही, तुम प्लीज चुप रहो। मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं पहले इससे बात कर लूं फिर तुमसे बात कर। ओके। हेलो। हाँ अरे काम हो गए, कहाँ रह गए बोलो? कोई काम ही नहीं बता, डरे मन कोई बेल भी नहीं बजाता। ए, सागर जी तो टेंशन लेने का काम तो है, मुझे टेंशन ही नहीं है। पागल भाई, ये काम भी छीन लिया,
क्विक मीट माय वाइफ मई हाय सब जय अंबे जय अंबे जय अंबे जय अंबे सब नॉर्मल ठीक है ना हां सब ठीक है हां बदू बराबर है बैठ के ना बहन केशव भाई आओ प्लीज 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 आप लोग टेंशन मत लीजिए आप दोनों की शादी हो जाएगी अरे वाह मई भाभी आप इन दोनों की शादी कल वाले अरे नहीं नहीं कन्हैया लाल इनकी शादी तो हो चुकी है लेकिन मई भाभी ने तो अभी कहा थी इन दोनों की कन्हैया लाल मैंने ऐसा कहा कि इन दोनों की शादी हो गई है लेकिन इन्होंने हमें इनवाइट नहीं किया ऐसा कहा मैंने हाँ हाँ वेरी बैड हाँ अभी कन्हैया लाल मेहमान आए हैं ना चाय ढोकला खमन लेके आओ हाँ जाओ लाल हाँ किचन दलित अम्मा हाँ अरे मोहित तुम्हें इसके सामने बोलने की क्या जरूरत थी सॉरी सागर जी वो निकल गया जल्दी जल्दी में अच्छा तुम दोनों सुनो देखो हम लोग तुम दोनों को मॉम के सामने मैरिड कपल की तरह इंट्रोड्यूस करेंगे तो तुम दोनों भी मैरिड कपल की तरह ही बिहेव करना ओके ओके समझ गई सागर तुम ये कहना चाहते हो ना कि तुम्हारी मॉम के सामने हमें पति पत्नी की तरह रहना है सागर कौन है ये मॉम ये मेरा फ्रेंड केशव और ये उसकी वाइफ कहना नमस्ते 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 बैठो बच्चों बैठो तुम दोनों अहमदाबाद में ही रहते हो जी आंटी जी मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और ये वडोदरा में तुम अहमदाबाद में रहते हो और तुम्हारी बीवी वडोदरा में ऐसा क्यों तुम दोनों साथ में नहीं रहते सासु माँ इनका कहने का ये मतलब है कि ये अहमदाबाद में रहते हैं लेकिन इनका ससुराल वडोदरा में है नहीं ये कहना चाहता था मैं यही यही बराबर बेटे किसी का फोन आप कट कर रहे हो बार बार उठा लो नहीं आंटी जी वो क्या है ना कि मोबाइल कंपनी वाले ना स्कीम के लिए बार बार फोन करते रहते हैं तो शायद उन्हीं का फोन होगा इसलिए वो कट कर रहे हैं हाँ आजकल तो बहुत ज्यादा अच्छा बेटा एक बात बोलूं बुरा मत मानना हाँ नाम तो तुम्हारा गहना है पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा गहने पहनने का शौक है हाँ क्यों आंटी जी बेटा तुम्हारा गला कान हाथ सब सुना है गहना एक बात बोलूं बुरा मत मानना हाँ तुम चाहे एक्स्ट्रा गहने मत पहनो पर गले में मंगलसूत्र हाथ में कंगन और एक वेडिंग रिंग तो पहननी चाहिए ना ये सब तो सुहाग की निशानी होती है ना गहना और फिर तुमने तो सिंदूर भी नहीं लगाया है हाँ वो आंटी जी बात ऐसी है ना कि दरअसल जल्दी जल्दी मैं रह गया पर अगली बार जरूर मैं संभालूंगी हाँ पहनती रहना हाँ ऐसे ऐसे सुना सुना अच्छा नहीं लगता बोल रही है नाश्ता हो दिया सासु माँ मैं इन दोनों गेस्ट को गेस्ट रूम दिखा के आती हूँ जरा लाल चाय हाँ उबल रही है हाँ तो दो जल्दी बेटा ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारे खानदान की नाक कट जाए तुझे तेरे दादी की कसम दादाजी से जल्दी फोन पर बात कर फोन मत कर ना केशव बेटा देखो बेटा हमने तुम्हारी शादी के लिए बड़े सपने देखे हैं अब तुम
अगर इस तरह भागकर उस कैना से शादी कर लोगे तो हमारे परिवार की नाक कट जाएगी बेटी। अच्छा, मतलब ये दोनों शादीशुदा नहीं है और अपने अपने घर से भागकर लव मैरिज करने के चक्कर में। केशव बेटा देखो, मुझे पता है कि वो लड़की अभी तुम्हारे साथ ही है। उसके पिताजी का बड़ौदा से कई बार फोन आ चुका है। वो भी नहीं चाहते है कि ये शादी हो और हम भी नहीं चाहते कि ये शादी हो, तो फिर तुम दोनों क्यों? देखिए, आपका पोता केशव और गहना अभी मेरे घर पर ही है। आप आ जाइए और गहना के फादर को भी बोल दीजिए कि वो भी वडोदरा से आ जाए। आप कौन बोल रही है? जी, मैं अंशा मेहता बोल रही हूँ। केशव मेरे बेटे सागर का दोस्त है। केशव और गहना अभी मेरे घर पर ही है। आप और गहना के फादर दोनों इधर आ जाइए। जी, मैं आपको मेरा पता SMS करती हूँ। ओके, थैंक यू अंशुया जी, हम दोनों अभी पहुंचते हैं। आज कल के ये बच्चे 2 साल के लव के सामने अपने माँ बाप का 25 साल का लव भूल जाते हैं। देखती हूँ कैसे होती है ये लव मैरिज। Hey, केशव, रिलैक्स, सब अच्छा होगा। अच्छा सागर, अब आगे की प्लानिंग ऐसी है कि कल सुबह 11 बजे हम कोर्ट में शादी करेंगे और आप दोनों को विटनेस की जगह पर साइन करनी है, और जैसे ही हमारी शादी हो जाएगी फिर हम केशव के घर चले जाएंगे, है ना केशव? गहना, ये भागकर शादी करना जरूरी है क्या? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ओह माय गॉड, देखा सागर, लड़की मैं हूँ और टेंशन इसे हो रही है। यार, मैं लड़की होकर बड़ौदा से यहाँ पर इसे भगाने आई हूँ, और एक ये है, शादी की सारी प्रॉपर प्लानिंग होने के बाद इसे टेंशन हो रही है। अरे यार गहना, स्कूल डेज से इसकी यही आदत है। तुम्हें याद नहीं, जब भी हम स्कूल बंक करके पिक्चर देखने जाते थे सबसे ज्यादा यही डरा करता। सागर जी, मतलब अब स्कूल बंक कर पिक्चर देखने जाते थे? करी मैं? अरे नहीं नहीं, वो तो कभी कभी। अरे भाई, तुम ये सब छोड़ो ना, मेरे दोस्त का हौसला बढ़ाओ, बेचारा डरा हुआ है। किशो भाई, थोड़ा हौसला जज्बा थोड़ा आप दिखाओ। आपने वो सलमान खान और काजल की फिल्म नहीं देखी क्या? जब प्यार किया तो डरना क्या? नहीं देखी? अरे उसमें सलमान खान एकदम हिम्मत वाला होता है ना, आप भी थोड़ी हिम्मत रखो, डरना छोड़ो। मई भाभी, आप मेरे दादाजी को जानती नहीं हो, वो इस उम्र में भी अखरोट को अपने दांत से तोड़ देते हैं और गन्ने को अपने घुटने से। बहुत गुस्से वाले हैं, और जब भी गुस्से में आते हैं ना तो गुजराती में बोलते हैं, आओ करवानी तारी हिम्मत केम थई। एम करवानी तारी हिम्मत केम थई। हाँ, अरे सागर, सेम डिट्टो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन तुमने दादाजी की आवाज कैसे कॉपी कर ली? अरे यार, मैंने कब कॉपी की, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। दादाजी, મને જવાબ આપ, આમ કરવાની તારી હિંમત કેમ થઈ? એટલે કેમ કરવાની હિંમત દાદાજી, પ્યાર કરને કી હિંમત યા ભગાને કી હિંમત? બંને, તુજે તો પતા હે ના, હમારે ખાનદાન મેં શાદી બડે બુઝુર્ગી તય કરતે હૈ। મેરે પિતાજી કી શાદી મેરે દાદાજી ને તય કી થી, મેરી શાદી મેરે પિતાજી ને તય કી થી, ઓર તેરે બાપ કી શાદી મેને તય કી થી, ઓર તું तू खुद अपनी शादी तय करने चला है। हाँ, पर दादाजी, मैं इससे प्यार करता हूँ। अरे तेरे प्यार के चक्कर में हमारे खानदान की इज्जत का बंटा धार हो जाता अभी, ये तो भला हो अंशुया जी का कि उन्होंने तेरा फोन उठाया और मुझे बताया कि तुम दोनों यहीं पे हो। आपने ससुमा? हाँ मैंने, और मुझे तुम दोनों पर शर्म आती है। सागर, तुमने मेरे बेटे होकर अपनी माँ से झूठ बोला कि ये दोनों शादीशुदा हैं? मॉम, जो झूठ दो प्रेमियों को मिलवाए वो झूठ सच से बड़ा होता है। शट अप, ये सब फालतू बातें इस चांपली ने ही सिखाई होगी ना तुम्हें।
ओम तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती है। तुम्हारे इस झूठ से तुम दोनों के परिवार हमेशा के लिए दुखी हो सकते थे। माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। किसके लिए? ताकि उनके बच्चे उन्हें धोखा देकर घर छोड़कर भाग जाए। कहना मैंने बुलाया है। थैंक यू मिर्ची सेठ, वरना ये लड़की हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रखती। आखिर आप सब लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? हमने क्या गुनाह किया है? सिर्फ प्यार ही तो किया है ना? अंकल, मैं इन दोनों का स्कूल का फ्रेंड हूँ। ये लोग सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये ना इनका बचपन का प्यार है। इनका प्यार बचपन का नहीं है, इनका प्यार बचपना है, बचपना। अरे कहां हम लोग, कहां ये लोग हैं? अरे हम लोग तो है ना करोड़पति हीरा का व्यापारी है, और ये लोग मिर्ची बेचने वाले, थर्ड क्लास ऑर्डिनरी पीपल है ये लोग। हीरा सेठ, अरे तुम करोड़पति हो या अरबपति, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे पैसे के मामले में तुम हमसे अमीर होगे, लेकिन इज्जत के मामले में तो हम तुमसे कई ज्यादा अमीर है। पूरे अहमदाबाद के लोग हमारी इज्जत के, हमारी ईमानदारी की मिसाल देते हैं। अरे तुम्हारी तरह हीरा की हीरा फेरी करके हमने अमीर नहीं बने। एक मिनट, आप दोनों प्लीज आपस में झगड़ना बंद कीजिए। आप दोनों के बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और अपनी जिद पूरी करने के लिए आप लोग इनके प्यार को मत ठुकराइए प्लीज। तू चुप कर मही, ये दोनों इनके बच्चे हैं। बड़ों को पूरा हक होता है कि वो अपने बच्चों की शादी जहां चाहे वहां करवाए। और वैसे भी खानदानी रीति रिवाज के हिसाब से अगर शादी होगी तो घर में भी शांति बनी रहेगी ना। ठीक कहा आपने बहन। गहना चलो, चलो गहना, मैं बोलता हूँ चलो मेरे साथ। सुनो, तुम्हारी शादी पन्नालाल सेठ के बेटे के साथ ही होगी। और हाँ केशव, तुम्हारी शादी हल्दी सेठ की बेटी के साथ होगी। पापा, आपने अगर मुझे और केशव को अलग करने की कोशिश की ना, तो मैं ना आटे की दुकान का हीरा चाट कर ना अपनी जान दे दूंगी। और दादाजी, अगर आपने मुझे गहना से अलग करने की कोशिश की ना, तो मैं आपकी दुकान से मिर्ची लेकर अपनी आंखों में डाल के अंधा हो जाऊंगा। देखो केशव, गहना ये कोई तरीका नहीं होता है अपने परिवार वालों को धमकी देने का। हाँ, ये गलत बात है। मही की बातों में मत आओ। मही ने वैसे भी दुनिया कहाँ देखी है, उसे पता ही क्या है कि दुनिया क्या चीज है। और जिसने दुनिया ही नहीं देखी हो उसकी बातों में मत आओ, नहीं तो क्या सासू माँ? मैंने भले ही दूसरी दुनिया ना देखी हो, लेकिन प्यार की दुनिया जरूर देखी है। प्यार की दुनिया कविता की दुनिया जैसी होती है। ऐसा लगता है जैसे हम सातवें आसमान में उड़ रहे हो, फूलों के बगीचे में घूम रहे हो, दुनिया स्वर्ग जैसी लगने लगती है, सब कुछ नया नया लगने लगता है, और हर एक पल मस्ती से भर जाता है। और साथी का साथ इतनी ताकत देता है कि दिल खोल कर बोलने का मन करता है, कोई भी जंग होगी लड़ लेंगे यार, दुनिया जाए भाड़ में। क्या बात है मही, ये तो कोई सुपर हिट लव स्टोरी की कहानी लगती है। सोनिया ऐसी ही कोई स्टोरी से अपनी करियर की शुरुआत करेगी। बिल्कुल सही कह रही हो सोनिया तुम। ऐसा सब फिल्मों में ही होता है, असली जिंदगी में ऐसा होता नहीं है। सासू माँ, फिल्मों की कहानी भी असली जिंदगी से इंस्पायर होती है। और मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूँ, अंकल जी, दादाजी, आप दोनों को अपना रवैया बदलना चाहिए, और अपने जो पुराने ख्याल है ना, उसको जैसे मोबाइल अपडेट करते हैं ना, वैसे अपडेट कर देना चाहिए। 100 बात की एक बात, अगर आप लोग मेरी सासू माँ की बात मानोगे ना, तो पक्का केशव भाई और गहना बहन को दुखी कर दोगे। और इनकी वजह से दो परिवार दुखी हो जाएंगे, उसका क्या? क्यों होंगे? मैंने तो ये सुना है कि बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी समाई होती है, तो फिर जबरदस्ती क्यों करना? और ऐसी जबरदस्ती
जिससे एक नहीं चार चार लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी। अरे पर मही, रहने दीजिए अंशुया जी, मही बेटी सच कह रही है। हीरालाल जी सही कहा, मिट्टी सेट आपने बिल्कुल सही कहा, बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। पर आप लोग तो लव मैरिज के खिलाफ है ना? हाँ वो तो है, पर हीरालाल जी क्यों ना हम इस शादी को नया नाम दें, लव कम अरेंज मैरिज। सही फरमाया मिर्ची सेठ आपने, चलो भाई गले मिल के बच्चों के रिश्ते को कबूल करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, अब जब दोनों परिवार की मर्जी है तो फिर मुझे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ क्यों खड़े, चलो जल्दी जाके पंडित को मिलते हैं और शादी का मुहूर्त निकालते हैं। चलिए चलिए सागर, मही जी थैंक यू सो मच, अब हमारी शादी धूमधाम से होगी और आप सब लोगों को हमारी शादी में आना है और आंटी जी आपको खास आना है। ओके बाय बाय एवरीवन। माय गॉड, सोनिया को तो ये कोई सुपर हिट फिल्म जैसा लग रहा है, ड्रामा के साथ रोमांस, कश्मकश के साथ हैप्पी एंडिंग, क्या बात है, सोनिया खुश। देखिए मुझे एक बात समझ में नहीं आई, सासू माँ ने अपने हथियार इतनी जल्दी कैसे रख दिए? लो, मैंने हथियार उठाए नहीं थे तो फिर रखने का सवाल कहाँ से पैदा होता है? मतलब यही है बेटा कि अगर केशव और गहना ने शादी कर ली होती तो हमेशा के लिए उनका दोनों परिवार से रिश्ता टूट जाए, इसीलिए मैंने उनके परिवार को यहाँ ही बुलाया और मुझे तो पूरा यकीन था कि मेरी और मही की बातें सुनकर ये दोनों परिवार वाले मान ही जाएंगे और अब देखो जिंदगी भर केशव और गहना खुश रहेंगे अपने परिवार के आशीर्वाद के साथ। लेकिन सासू माँ आपने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया, मैं भी एक्टिंग करती ना साथ साथ। बिल्कुल भी नहीं, तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों की मेंटेलिटी चपड़ चपड़ करनी ही होती है, सस्पेंस और सरप्राइज तो तुम लोग होल्ड कर नहीं सकते, इसीलिए नहीं बताया। समझ गई बहू रानी? जी सासू माँ समझ गई।